अगर आपको कोई परेशान कर रहा है या आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आप उस स्थिति में मुख्यमंत्री को ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो। मुख्यमंत्री को ऑनलाइन कंप्लेन करने के लिए हर राज्य में अलग अलग वेबसाइट है, लेकिन प्रोसेस लगभग हर राज्य का सेम ही है। सुराज में ही इंजीनियर राजा और मैं आज आपको मुख्यमंत्री से ऑनलाइन कैसे कंप्लेन करेंगे उसका मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। Shut up and sit down. किसी भी राज्य में सीएम को कंप्लेन करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में टाइपिंग करना होगा कंप्लेन टू सीएम, और जो भी स्टेट में है और जो भी स्टेट में आप करना चाहते हैं कंप्लेन उस स्टेट का नाम टाइपिंग कर देना है। चलिए मैं यहां पर टाइपिंग कर देता हूं कंप्लेन टू सीएम बिहार। कंप्लेन टू सीएम बिहार करके आप सिंपली इंटर करेंगे। इंटर करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहां देख रहे हैं कि पहले वाला जो लिंक है आप सिंपली लिंक पे ओके करेंगे। ओके करते ही आपके जो है बिहार का इस वो ये जो है सीएम कार्यालय का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो पेज है इसका पेज जो है ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये सीएम को कंप्लेन करने के लिए सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट टू द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का आप कोई भी कंप्लेन करना चाहते हैं, कोई भी शिकायत करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पर राइट टू द चीफ मिनिस्टर पर जाकर ओके करेंगे। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई डिसीजन देना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर जाके इसको आप ओके करके आप इसको डिसीजन दे सकते हैं, और कोई भी शिकायत कोई भी कंप्लेंट करके यहाँ से आप दे सकते हैं। चलिए मैं दूसरा स्टेट का देख लेता हूँ। जो दूसरा स्टेट जिसे मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ कंप्लेन टू सीएम मुंबई। कंप्लेन टू सीएम मुंबई टाइपिंग करने के बाद मतलब एंट्री इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद देख रहे हैं कि ये पहले वाला लिंक है, आपको पहले वाले लिंक को क्या करना है ओके करना है। ओके करते ही आपके सामने जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो ओपन होकर आ जाता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ देख रहे हैं कि पोस्ट ग्रीवियंस आपको इस पर आपको कंप्लेन करना है सीएम को। चलिए मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रीवियंस वाले पर ओके करता हूँ। ओके करते आपके सामने ये छोटा सा बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ऑप्शन आया हुआ है, तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालना है जो देर नहीं हो चलता हो, क्योंकि आपको जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर का आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी किसी प्रकार नंबर का आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ मोबाइल नंबर और मैं यहाँ ईमेल आईडी डाल के मैं यहाँ वेरीफाई वाले पर ओके करता हूँ। मोबाइल नंबर ईमेल डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है वेरीफाई वाले पे ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। अब देखिए कि आप बोला जा रहा है कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। मेरे केस में आ गया, मैं यहाँ पर ओटीपी डाल के मैं यहाँ पर वेरीफाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल लेता हूँ। ओटीपी यहाँ पर डाल देते हैं, मैं मोबाइल वाला डाल देता हूँ। आपके पास जो ईमेल आईडी भी गया होगा आप ईमेल वाले भी यूज कर सकते हो, या मोबाइल वाले किसी कोई नंबर आप यहाँ पर डाल के यहाँ वेरीफाई पर ओके करेंगे। चलिए मैं यहाँ मोबाइल वाला डाल के यहाँ मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका नाम आ चुका है जो अभी ईमेल आईडी में था। यहाँ पर देख रहे हैं कि लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल है, या आप देख रहे हैं मंत्रालय। चलिए मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाले पर चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और तालुका चूज करना है। चलिए मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप इसको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना। चलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपका तालुका आ जाएगा, कौन सा तालुका है तो आपको तालुका भी चूज कर लेना है। यहाँ देख रहे हैं कि टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब कंप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ देख रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, कलेक्टर है, पुलिस है, जिला परिषद है, तो मैं यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉरपोरेशन टाइप आ गया, किस टाइप का है तो वो भी आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे नेचर ऑफ ग्रीवेंस मतलब आप कंप्लेन जो करना चाहते हैं वो किस टाइप का है, तो आपको इसमें से चूज करना पड़ेगा। चलिए सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जो है आपका इसमें आ चुका है, तो आप किस पे आप जो कंप्लेन करना चाहते हैं वो आपको इसमें से रीजन चूज कर लेना है, एक ठो कोई भी। इसके बाद कोई भी रीजन चूज करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रीवेंस का जो डिटेल है, जो भी आप चूज किए हैं उसके बारे में आपको क्या शिकायत करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर देख रहे हैं 2000 करेक्टर में यहाँ पर आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर कुछ टाइपिंग कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक तो इमेज अपलोड करना पड़ेगा, जो आपका जो है फाइल का साइज होना चाहिए 2 MB, और ये जो फॉर्मेट होना चाहिए आपको PNG JPG
JPEG। और इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, पासपोर्ट जो भी है वो डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो साइज है 2 MB का है और ये जो फॉर्मेट जो अलाव मांग रहा है ये PDF में है। तो आपको इमेज के लिए आप सिंपली चूज फाइल पर ओके करेंगे और जहाँ भी इमेज है उसको सेलेक्ट करके सिंपली ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ इमेज भी चूज करके डाल दिया हूँ, यहाँ इसके बाद यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट भी चूज करके डाल दिया हूँ। इसके बाद यहाँ क्या करना है, कैप्चा आपको इसमें डालना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से क्या करना होगा, कैप्चा को रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद जो भी कैप्चा आएगा आपको HTTP कैप्चा डाल के आपको क्या करना है, पर भी वाले पे ओके कर देना है। चलिए मैं यहाँ कैप्चा डाल के यहाँ मैं परव्यू वाले पे ओके करता हूँ। ओके करते ही आप देखिएगा कि आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन आपको ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने जो भी वहाँ पे डाला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह चूज किया हुआ है, आपको यहाँ पूरा आपको यहाँ पे शो कर देता है। अगर आप इसको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट पे जाके एडिट कर सकते हैं। यहाँ आपका पिक्चर आ चुका है, इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, अगर इसमें लग रहा है कुछ गलत है इसको सही करना चाहिए तो सिंपली यहाँ पे एडिट भी जाके पीछे बैक जाके इसको एडिट कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि सब कुछ सही है तो सिंपली आपको यहाँ पे कन्फर्म एंड सबमिट पे ओके करना। चलिए मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करते ही आपके सामने सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाएगा और ये आपका जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो योर ग्रेविजेंस हैज बिन पोस्टेड सक्सेसफुली, तो मतलब ये पोस्ट आपका सक्सेसफुली ये सबमिट हो चुका है और आपका ये जो कंप्लेन है वो आपका कंप्लेन CM कार्यालय में पहुँच चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एक टोकन आईडी भी दे दिया, जो टोकन आईडी आपका ये है। तो आप इसको सेव करके रख लीजिए, मोबाइल से फोटो खींच के रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ देख रहे हैं कि ये टोकन जो आईडी है इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ट्रैक कैसे करेंगे मैं उसको आपको दिखा दूँगा। इसके लिए आपको ये वाला जो आईडी है आपको इसको आपको सेव करके रखना पड़ेगा। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं कि डाउनलोड PDF, तो आपको पहले इसको PDF में डाउनलोड करके रख लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, डाउनलोड वाले पे ओके करेंगे। ओके करते देखिएगा कि यहाँ पे आपका ये जो है डाउनलोड होके ये वाला ये ऑप्शन डाउनलोड होके यहाँ पे आपका आ जाएगा। डाउनलोड जैसे होता है तो मैं इसको आपको ये जो है डाउनलोड वाला जो है PDF इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे मेरा यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि मेरा ये फाइल ओपन होके आ चुका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं भी जो भी मेरा टोकन नंबर यहाँ पर आ चुका है, डेट एंड टाइम आ चुका है, मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल आईडी और मेरा यहाँ पर पूरा बायोडाटा ये जो है मेरा ये ओपन होके आ जाता है। तो अब इसको आपको जो है टोकन नंबर को संभाल कर रखना है और इसी टोकन नंबर से आप अपना ट्रैकिंग को देखेंगे कि आपका ट्रैक जो का जो एप्लीकेशन है उसका STP क्या है। चलिए मैं आपको ट्रैक करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो एप्लीकेशन जो की अपनी कंप्लेंट किए हैं उसका स्टेटस क्या है। तो आपने जो भी कंप्लेंट किया है उसको आपको देखने के लिए यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैक ग्रीवेंस, आप उसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि आप जो एप्लीकेशन किए हैं उसका जो पूरा बायोडाटा आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं जो भी मेरा टोकन नंबर या टोकन नंबर मेरा ये है, स्टेटस यहाँ देख रहे हैं कि सबमिट हो चुका है, डेट यहाँ पे आज का आ चुका है और यहाँ मेरा डिस्ट्रिक्ट है। तो आप देखेंगे टोकन नंबर आप इसमें डाल के यहाँ पे अप्लाई करके और भी देख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे जो ये टोकन आईडी जो है ये मैं टोकन आईडी यहाँ पे डाल के मैं आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब यहाँ मैंने अपना देख रहे हैं कि टोकन नंबर में यहाँ पे डाल दिया हूँ। डालने के बाद सिंपली यहाँ पे अप्लाई पर ओके करेंगे। ओके करते ही आपका ये पूरा ये जो बायोडाटा है ये ओपन होकर आ जाएगा। ये देखिए आपका टोटल यहाँ पे आ चुका है, जो भी आप लिखे हुए हैं वो अब यहाँ पे पूरा आ चुका है। तो कुछ इसी तरीके से अप्लाई करने के बाद आपका यहीं पे आएगा और यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट आ गया, सबमिट वगैरह का ऑप्शन आ गया, डेट आ गया, यहाँ पे आपका टोकन आईडी आ गया। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, इसके बाद इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस तरीका के नया वीडियो में पर डे अपलोड करते रहता हूं और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम ऑनलाइन मुख्यमंत्री को कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।